कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन में करीब 50 दिनों तक बंद रही रेल सेवा सीमित रूप से बहाल हो गई है। मंगलवार से सरकार ने यात्री ट्रेनों को चलाने का फैसला किया था और दिल्ली से आज बिलासपुर के लिए ऐसी एक रेलगाड़ी रवाना हो गई। इसके लिए सोमवार से टिकट की बुकिंग शुरू हुई थी। सोमवार को ही टिकट बुकिंग में काफी मारामारी दिखी थी और कुछ मिनटों में ही कई रूट की ट्रेनें भर गईं। कुछ रूट पर अगले 5 दिनों के लिए अब टिकट उपलब्ध नहीं है। कल तो हम काफी परेशान थे, बड़ी मुश्किल से हमें टिकट मिली और जब हमें टिकट मिली तो हमें बहुत खुशी हुई। फिर अगला चैलेंज हमारे लिए ये आ गया था कि हम स्टेशन तक कैसे पहुंचे, क्योंकि कैब वगैरह कुछ चल नहीं रही थी। बट हमने पुलिस प्रशासन से वहां पे सहयोग मांगा, उन्होंने हमारा काफी सहयोग किया। और उसके बाद फिर हम रेलवे स्टेशन आए तो यहां भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, सोशल डिस्टेंसिंग का सभी लोग पालन कर रहे हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि हम सुरक्षित घर तक पहुंच जाएं। जी अच्छा, ट्रेन के अंदर जो प्रोसेस है, क्लीनिंग प्रोसेस वगैरह, आप चूंकि आकर के अपनी सीट पर बैठ गए हैं, कई सारी चीजें रिस्ट्रिक्शन भी, कुछ गाइडलाइंस दिए गए ट्रेन की तरफ से। ये भी कहा गया था कि इस बार जो है आपको जो बेड मिलता है वो नहीं मिलेगा, साथ में खाना वाना का भी सब कुछ आपको खुद से इंतजाम करना होगा। ये तमाम गाइडलाइंस, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, ये सब की व्यवस्था हमें कल जैसे ही रेलवे से पता चला, ये जानकारी पता चली, तो हमने ये सारी तैयारी हमने घर पे की हुई थी और सब हम फिर ये सारी व्यवस्था करके आए हुए हैं यहाँ पे। तो सामान थोड़ा हैवी हो गया था, बट अब जो चीज़ें हैं वो तो हमें करनी ही है। जी, हमको बताया गया था कि 11 तारीख 4 बजे से टिकट बुक होगी, तो हम परेशान हो गए थे। हम 4 बजे से ही अपनी वेबसाइट खोल के रख लिया था, पर बहुत टाइम तक चलता रहा तो कुछ सिस्टम हैंग होने के कारण उन्होंने बोला 6 बजे तक आपका बुकिंग होगा। फिर हम 6 बजे से कंटिन्यू लगे रहे तो 6:40 के आसपास विंडो ओपन हुआ, तो हमने तुरंत टिकट बुक की, यानी कि 5 मिनट्स में पूरा हो गया था। तो जब तक हमने टिकट बुक करी थी तो मतलब हमको कंप्लीट मिली गई थी, हमारी कन्फर्म सीट मिल गई। रेलवे का इंतज़ाम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है सर, जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि इनका इंतज़ाम पुलिस प्रशासन से लेकर के यहाँ तक चेकिंग वेकिंग की व्यवस्था और इतने अच्छे माहौल की व्यवस्था किया गया है कि हम खुश नसीब हैं कि इसमें अब हमें चलने का मौका मिला है। मंगलवार से शुरू होने वाली ट्रेन यात्रा के लिए रेलवे की तरफ से ट्रेन चलने, किराए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों पर एक नया सर्कुलर भी जारी किया गया था। IRCTC के CMD MP मल ने इस सर्कुलर की मुख्य बातें BBC से साझा की। उनके मुताबिक ये 15 जोड़ी ट्रेनें राजधानी होंगी और जो किराया इस रूट पर पहले लगता था वही इस बार भी लागू होगा, लेकिन केटरिंग के चार्ज नहीं लगेंगे। आपको बता दें, लॉकडाउन के पहले तक राजधानी ट्रेनों में डायनेमिक प्राइसिंग लागू होती थी, यानी जैसे जैसे सीटें भरती जाएंगी किराया बढ़ता जाएगा। केटरिंग के लिए पानी और कुछ पैकेज फूड ट्रेन में पैसे देकर यात्री खरीद सकेंगे। हालांकि मुसाफिरों को अपने घर से भी खाने का सामान लाने की इजाजत दी गई है। इन रेलगाड़ियों में रास्ते में बेड रोल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इससे वायरस फैलने का खतरा बनता है। रेलवे की तरफ से जो नए नियम तय किए गए हैं उनके मुताबिक ट्रेनों में सीट बुकिंग 7 दिन पहले ही हो पाएगी, तत्काल बुकिंग नहीं होगी, RAC टिकट भी नहीं मिलेगा, एजेंट टिकट बुक नहीं करा पाएंगे। यात्रियों को स्टेशन पर करीब 90 मिनट पहले पहुंचना होगा। ट्रेन चलने के 24 घंटे के पहले तक ही टिकट कैंसिल कराने की अनुमति होगी। ट्रेन चलाने को लेकर फैसले के बाद हर तरफ सवाल यही था कि लोग घर से स्टेशन और स्टेशन से घर तक कैसे पहुंचेंगे। इसे लेकर अब स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। ट्रेन की कन्फर्म टिकट दिखाने के बाद लोगों और ड्राइवर को स्टेशन से घर और घर से स्टेशन जाने की सुविधा दी जाएगी। स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। यात्रा करने वालों को स्टेशन पर ही सैनिटाइज किया जा रहा है। यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान पैसेंजर को लगातार मास्क पहनना होगा। स्टेशन पर उतरने के बाद जिस राज्य में ट्रेन पहुंचेगी वहां की राज्य सरकारों ने जो नियम बनाए हैं यात्रियों को उन सभी नियमों का पालन करना होगा। मसलन अगर राज्य सरकार क्वारंटीन में यात्रियों को भेजना चाहे या फिर होम आइसोलेशन की बात कहे तो यात्रियों को वो दिशा निर्देश मानने होंगे। देखिए, सबसे पहले आपने जैसे देखा एंट्री के ऊपर, हर वो पैसेंजर उसकी एंट्री अलाउड है जिसके पास कन्फर्म टिकट है। कन्फर्म टिकट के बाद उसको वहाँ स्क्रीन किया जा रहा है और उसके बाद जैसे वो स्टेशन में एंटर करता है उसकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है जैसे आपने अभी देखा। उसके बाद सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उसको हम लोग कोचेज में डिफरेंट ले जा रहे हैं। RPF आपने देखी, कमर्शियल स्टाफ लगा हुआ है और हर पैसेंजर को विधिवत तरीके से हम लोग पैसेंजर को कोच के अंदर बिठा रहे हैं। और आपने देखा है कि सारा का सारा अरेंजमेंट जो है वो काफ़ी डिटेल अरेंजमेंट जो है वो स्टेशन के ऊपर किया गया है। सर, इसमें जो कोच की कैपेसिटी है उतने ही पैसेंजर बुक किए हैं, इसमें कोई वेटलिस्ट, कोई RAC पैसेंजर नहीं है। जितने कन्फर्म टिकट वाले हैं उन्हीं को सिर्फ बिठाया जा रहा है। नहीं, लिनन इसमें अलाउ नहीं कर रहे हैं। लिनन हमने जो इंस्ट्रक्शन इशू करी थी उसमें इंस्ट्रक्शन इशू ये करी थी कि जो लाइट ब्लैंकेट है वो अपना लेके आएंगे, लेकिन कोच के अंदर हम लोग 25 से 26 डिग्री मेंटेन कर रहे हैं, टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खाना इसमें जो है वो पेमेंट के ऊपर थोड़ा खाना रखा हुआ है,
लेकिन ये भी इंस्ट्रक्शन है कि खाना वो अपने घर से भी लेके आ सकते हैं। अभी तो आपने देखा है कि 17 तक जो है वो रिस्ट्रिक्शन, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन है, बट जिसके पास भी कंफर्म टिकट है वो एज़ पर MHA गाइडलाइन वो सिटी में ट्रेवल कर सकता है एंड देट विल बी कंसिडर्ड एज पास, तो वो तो है ही है। उसके अलावा बाकी जो रेलवे की अपनी इंस्ट्रक्शन हैं, जैसे हमने सुबह एडवाइजरी दी थी कि पहाड़गंज से ही इसकी एंट्री होगी, एक ही तरफ एंट्री है क्योंकि दूसरी तरफ से श्रमिक स्पेशल वो ट्रेनें चलाई जा रही हैं, तो पहाड़गंज से जिस एंट्री से हम लाया जा रहा है, यहाँ पे हमने दो एंट्रीज की खोल रखी है और उनको ला के फिर हम लोग कोचेज में बिठा रहे हैं। नहीं, जब पैसेंजर वहाँ पे पहुँचेगा तो वही टिकट जो है वो लेके उसकी वो टिकट मान्य होगी और पैसेंजर जो है इसमें से जो भी पैसेंजर लिए जा रहे हैं वो हेल्दी हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई भी सिम्टम नहीं है उसका, तभी उनको लिया जा रहा है। क्योंकि और आपने देखा थर्मल स्क्रीनिंग में हम उसको एक एक पैसेंजर को स्कैन भी कर रहे हैं और तभी उनको लाया जा रहा है।